எனக்கு ஏரோப்ளேன் அதாவது விமானம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்க கூட நிறைய பேப்பர் ஏரோப்ளேன் செஞ்சு விளையாடி இருப்பீங்க இல்லையா? நான் இப்போ உங்களை நிஜமான விமான நிலையத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன். விமான நிலையம். ஏ ஹவாய் அட்டா ஹே, யஹா சே ஹவாய் ஜஹாஸ் உடான் பர்தே ஹே யா உதர்தே ஹே. ஏ ஹவாய் ஜஹாஸ், ஹவாய் ஜஹாஸ் பங்கோ வாலா எக் வாஹன் ஹே. இசே பஹுத் ஹி சக்திஷாலி இன்ஜினோ கே சாத் ஹவா மே உடாயா ஜாதா ஹே. கண்ட்ரோல் டாவர் யா நியந்த்ரண் கக்ஷ், கண்ட்ரோல் டாவர் யா நியந்த்ரண் கக்ஷ ஹவாய் அட்டே பர் ஹோதா ஹே. யஹான் சே ஹவாய் ஜஹாஸோ கே यातायात का नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण कक्ष से हवाई जहाज चालक को संदेश दिए जाते हैं, जिससे उन्हें उतरने और उड़ान भरने में आसानी होती है। एयरपोर्ट बस या हवाई अड्डे की बस। हवाई अड्डे पर स्थित ये बसें हवाई अड्डे से हवाई जहाज तक यात्रियों को लाने ले जाने के काम आती हैं। विंडसॉक या वात दर्शक। विंडसॉक या वात दर्शक एक मोजे की तरह होता है। इसे एक लकड़ी से बांधा जाता है। इससे नियंत्रण कक्ष और विमान चालक को ये समझता है कि हवा का रुख किस दिशा में है। हवाई पट्टी। हवाई पट्टी एक सीधे लंबे रास्ते की तरह होती है। इस पट्टी से हवाई जहाज दौड़कर उड़ान भरता है या फिर उतरता है। पायलट या विमान चालक। हवाई जहाज चलाने वाले व्यक्ति को विमान चालक कहते हैं। विमान चालक को हवाई जहाज चलाने का खास प्रशिक्षण दिया जाता है। हवाई सुंदरी। हवाई जहाज में यात्रियों की देखभाल के लिए स्त्री कर्मचारी रखे जाते हैं, जिन्हें हवाई सुंदरी कहते हैं। हवाई सुंदरियां यात्रियों का ख्याल रखती हैं तथा उन्हें भोजन या अन्य खाने पीने की चीजें भी देती हैं। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भी हवा में उड़ने वाला ही वाहन है, पर वो वाहन हवाई जहाज से छोटा होता है। हेलीकॉप्टर के ऊपरी हिस्से में एक शक्तिशाली पंखा होता है, जिसकी मदद से वो उड़ता है। इसको उड़ने के लिए हवाई पट्टी की जरूरत नहीं होती। एस्केलेटर या यांत्रिक सीढ़ी। बड़े बड़े सार्वजनिक जगहों पर लोगों को चढ़ने या उतरने के लिए एस्केलेटर या यांत्रिक सीढ़ी होती है। इससे लोगों को चढ़ने या उतरने में आसानी होती है। अराइवल बोर्ड या आगमन दर्शिका। ये संदेश पट्टी आने वाले हवाई जहाजों की जानकारी लोगों तक पहुंचाती है। डिपार्चर बोर्ड या निर्गमन दर्शिका। ये संदेश पट्टी जाने वाले हवाई जहाजों की जानकारी लोगों तक पहुंचाती है। விமானங்களை போலவே எனக்கு கடலும் பிடிக்கும். நீங்க அங்க போனீங்கனா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க. வாங்க நாம நீண்ட கடல் பிரயாணம் பண்ணலாம். படகு சவாரி. जब हम किसी नाव में बैठकर नदी या तालाब की सैर करते हैं तो उसे नौका विहार कहते हैं। नौका विहार बहुत ही आनंददायक होता है।
जहाज। जहाज एक बहुत बड़ी नौका होती है। इससे यात्री या माल की यातायात की जाती है। समंदर की सैर के लिए जहाज एकमेव साधन है। लाइफ बोट या जीवरक्षक नौका। लाइफ बोट या जीवरक्षक नौका हर जहाज पर होती है। ये एक छोटी नौका होती है। संकट के समय इसी नौका से यात्रियों की जान बचाई जाती है। कंटेनर शिप या मालवाहू जहाज। मालवाहू जहाज एक बहुत बड़ा जहाज होता है। इस पर तरह तरह का माल लाद कर समंदर के रास्ते से एक देश से दूसरे देश तक लाया ले जाया जाता है। स्टेयरिंग व्हील या सुकानू। सुकानू जहाज की दिशा बदलने का कार्य करता है। ये काम जहाज का कप्तान करता है। कप्तान। कप्तान जहाज का प्रमुख होता है। जहाज पर होने वाले हर काम इसके आदेश से ही होते हैं। पूरा जहाज इसके नियंत्रण में होता है, जैसे जहाज की दिशा इत्यादि। लाइट हाउस या दीप ग्रह। दीप ग्रह समंदर किनारे स्थित एक बहुत ऊंचा मीनार होता है। इसकी चोटी पर तेज रोशनी फैलाने वाले दिए होते हैं। इसका उपयोग समंदर से आने जाने वाले जहाजों को दिशा समझाने के लिए होता है। लाइफ बेल्ट या जीव रक्षक पट्टा। लाइफ बेल्ट या जीव रक्षक पट्टे को पहनकर पानी में हम आसानी से तैर सकते हैं और अपना सिर पानी के ऊपर रख सकते हैं। सेलिंग बोट या पालों वाली नौका। पालों वाली नौका एक छोटी नौका या फेरी होती है। इस पर केवल एक ही मास्ट या कूपदंड होता है। सीगल या समुद्री पक्षी। समंदर के आसपास रहने वाले सफेद रंग के सीगल या समुद्री पक्षी आकार से छोटे होते हैं। इनके पंख नुकीले होते हैं और पैर छोटे होते हैं। इसका मुख्यतः खाद्य मछलियां हैं। नाविक। किसी भी नौका, जहाज या पनडुब्बी पर उसे चलाने के लिए या अन्य कामों के लिए जो लोग होते हैं उन्हें नाविक कहा जाता है। आइलैंड या जजीरा। आइलैंड या जजीरा जमीन का एक छोटा या बड़ा टुकड़ा होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। நீங்க எப்பவாவது கடற்கரையில மணல் வீடு கட்டியிருக்கீங்களா? நான் சின்ன வயசுல நிறைய மணல் வீடு கட்டியிருக்கேன். என்ன, நீங்க பீச்சுக்கு போறீங்களா? என்னையும் கூட்டிட்டு போங்களேன். கடற்கரையில். समंदर के किनारे नर्म रेत होती है। उस रेत पर हम बैठते हैं या बच्चे कुछ खेल भी सकते हैं। बालू का किला। गीली बालू से बच्चे किला बनाते हैं। बच्चों को समंदर किनारे खेलते हुए बालू का किला बनाने में बहुत मजा आता है। केकड़ा। ये एक पानी के भीतर रहने वाला जीव है। ये समंदर, नदी या तालाब के किनारे दिखाई देता है। कई लोग इसे खाते भी हैं। सूर्य स्नान।
खुली धूप में सूर्य स्नान करने से शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है। फ्लिपर्स या पद्दीका। फ्लिपर्स या पद्दीका रबर का एक बहुत पतला टुकड़ा होता है जिसे तैराकी अपने पैरों को बांधते हैं। इससे पानी के अंदर या पानी पर तैरने में बहुत आसानी होती है। मछलियाँ। मछलियाँ पानी में रहने वाले जीव हैं। समंदर, नदी या तालाब जैसे क्षेत्र में अनेक रंग और आकार की मछलियाँ होती हैं। ये मीठे तथा खारे पानी में भी होती हैं। मछलियों को सांस लेने के लिए सुफने होते हैं। हम मछलियों को पकाकर खाते हैं। मछलियों से भारी मात्रा में जीवन सत्व प्राप्त होते हैं। स्नॉर्कल या गोताखोर का सांस लेने का उपकरण। जब भी कोई तैराक या गोताखोर समंदर में गहराई की बजाय पृष्ठभाग पर ही तैरता है, तब वो मुंह पर सांस लेने का उपकरण लगाता है। इस क्रिया को स्नॉर्केलिंग कहते हैं। पैडल या चप्पू। ये एक ऐसा साधन है जो नाव चलाने में काम आता है। नाव चलाने वाला नाविक दोनों हाथों में पैडल लेकर नाव को चलाता है। विंड सर्फिंग। ये समंदर की लहरों के सहारे खेला जाने वाला एक खेल है। इसमें एक छोटी सी फली होती है जिस पर खड़े रहकर तेज लहरों पर सैर की जाती है। எவ்வளவு அழகா இருக்கு! நாம அழகான மணல் வீடு கட்டினோம், சூரிய அஸ்தமனத்தையும் பார்த்தோம். இனி நம்ம வீட்டுக்கு போலாம். ஆனா எப்படி போறது? சரி, நம்ம கார் சவாரி பண்ணலாம். கார் சவாரி. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम मोटर गाड़ी का उपयोग करते हैं। मोटर गाड़ी की सैर बच्चों के लिए बहुत आनंददायी होती है। हवाई पुल। मुख्य सड़क पर जो पुल बांधा जाता है उसे ओवरहेड या हवाई पुल कहते हैं। दो मंजिला बस। इस बस में दो मंजिलें होती हैं और यात्रियों को बैठने के लिए दोनों मंजिलों पर आसन होते हैं। इस बस में अधिक मात्रा में यात्री सफर कर सकते हैं। बस स्टॉप या बस थंबा। यात्रियों को चढ़ने उतरने के लिए जगह जगह पर बस स्टॉप या बस थंबे बनाए जाते हैं। शहर में घूमने वाली बसें उन थंबे पर रुकती हैं। ट्रैफिक लाइट या सिग्नल। वाहन तथा पादचारियों की यातायात के नियंत्रण के लिए रास्ते पर जगह जगह बत्तियां लगाई जाती हैं। इसे ट्रैफिक सिग्नल भी कहते हैं। कॉल टैक्सी। कॉल टैक्सी आपके फोन करने से ये टैक्सी आपके घर आती है और आपको इच्छित स्थान पर ले जाती है। उसमें लगे हुए मीटर से हमें ये पता चलता है कि हमें कितने पैसे देने हैं। ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शे को तीन पहिए होते हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा तीन यात्री बैठकर ही सफर कर सकते हैं। भूमिगत मार्ग। वाहनों के यातायात को बिना रोके जमीन के नीचे से भूमिगत मार्ग निकाला जाता है। इससे यात्री बिना खतरे के सड़क पार कर सकते हैं।
कंटेनर लॉरी, जिस ट्रक को माल रखने के लिए पीछे कंटेनर यानी बहुत बड़ा लोहे का बक्सा जोड़ा जाता है उसे कंटेनर लॉरी कहते हैं। इस कंटेनर में द्रव पदार्थ जैसे कि पानी, तेल इत्यादि या फिर माल लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। डबल बस, एक से एक जुड़ी हुई बस को डबल बस कहते हैं। इससे अधिक यात्री यात्रा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कार, मोटर गाड़ी की स्पर्धा के लिए जो गाड़ी खास तरीके से बनाई जाती है उसे स्पोर्ट्स कार कहते हैं। दौड़ते समय हवा का अटकाव कम करने के लिए इसे खास तरीके से बनाया जाता है। इसमें बहुत ही शक्तिशाली इंजन भी लगाया जाता है। உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொழுதுபோக்கு என்ன? எனக்கு தெரியும், சர்க்கஸ் தானே? சர்க்கஸ் சேரவங்க, மிருகங்க எல்லாத்துக்கும் மேல கோமாளிங்க இருப்பாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இங்க ஒரு சர்க்கஸ் வந்திருக்கு. நான் உங்களை அங்க கூட்டிட்டு போறேன். சர்க்கஸில் सर्कस का खेल एक बहुत बड़े तंबू में किया जाता है। मनोरंजन के लिए ये खेल बच्चों को बहुत पसंद है। इस खेल में कई प्रकार के प्राणी, विदूषक और अनेक कसरतदार अपनी कला दिखाते हैं। विदूषक रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपने अंग विक्षेप या चुटकुलों से लोगों को हंसाने वाले विदूषक बच्चों को बहुत ही प्यारे लगते हैं। रिंग मास्टर, सर्कस में खेल के दौरान जंगली प्राणियों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को रिंग मास्टर कहते हैं। ट्रैपीज या आकाशी झूले के कलाकार, बहुत ऊंचाई पर लटकाए हुए झूलों पर जो कसरत करते हैं उन्हें ट्रैपीज कलाकार कहते हैं। सर्कस का घोड़ा, सर्कस के घोड़े को बहुत ही खास तरह की तालीम दी जाती है जिससे वो कई मजेदार तथा कवायती खेल दिखाता है। टोपी, साधारणतः टोपी को अपने सिर की रक्षा के लिए पहना जाता है, लेकिन सर्कस में विदूषक तरह तरह की रंग बिरंगी टोपियां पहनकर बच्चों का मनोरंजन करते हैं। यूनिसाइकिल या एक पहिए की साइकिल, यूनिसाइकिल को सिर्फ एक ही पहिया होता है, उस पर बहुत ही कुशल कलाकार अपनी कला दिखाते हैं। ट्रैपीज या आकाशी झूला, दो रस्सियों के बीच जमीन के समांतर एक लकड़ी बांधी जाती है और उसे बहुत ऊंचाई पर बांधा जाता है। इसे ट्रैपीज या आकाशी झूला कहते हैं। एक्रोबैट करने वाले कलाकार उस पर दिल धड़काने वाले खेल दिखाते हैं। सर्कस का कुत्ता, सर्कस में कुत्तों को खास तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वो अनेक प्रकार के खेल करके बच्चों का मनोरंजन करता है। जादूगर, ये कलाकार अनेक वस्तुओं को बिना जमीन पर गिरे एक हाथ से दूसरे हाथ में लेते हुए अनेक खेल दिखाता है। बच्चे इस जादूगर के खेल को बहुत पसंद करते हैं।
सर्कस का हाथी। सर्कस के हाथी को रिंग मास्टर के कहने पर अनेक मनोरंजक खेल दिखाने के लिए खास तरीके से तैयार किया जाता है। रस्सी की सीढ़ी। सर्कस में इस्तेमाल किए जाने वाली ये सीढ़ी रस्सी से बनाई जाती है। इस पर चढ़कर कलाकार आकाशी झूलों तक पहुंचकर अपनी कला दिखाते हैं। सुनने ले सर्कस ले पाता मज़े से याद इंगने पारंग आड़ी पटरी चे निंग मार वे मटिंग वांगा ना मरतु अमने के कोटी रे मरतु अमने। अस्पतालों में मरीजों का इलाज होता है। अस्पताल में डॉक्टर, परिचारिकाएं, तरह तरह के उपचार साधन तथा अन्य कई कामों के लिए लोग होते हैं। यहाँ रोगियों की जांच करके उन पर इलाज किया जाता है। अस्पताल में नए बच्चे जन्म लेते हैं और नवजात शिशुओं की देखभाल भी की जाती है। डॉक्टर। खास वैद्यकीय प्रशिक्षण लेकर व्यक्ति डॉक्टर बनता है। डॉक्टर मरीजों की जांच करके उन्हें योग्य दवाइयां देते हैं। स्टेथोस्कोप। व्यक्ति के हृदय की धड़कन गिनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। ताप मापक। ताप मापी के एक सिरे पर पारा से भरा हुआ गोल होता है। रोगियों का तापमान देखने के लिए ताप मापक का उपयोग होता है। सिरिंज। इंजेक्शन में सिरिंज को सुई लगाई जाती है। इसका उपयोग दवा को सीधे रोगियों के खून में पहुंचाने के लिए किया जाता है। दवा। रोगों के इलाज के लिए रोगियों को विशिष्ट औषधि दी जाती है। ये दवा पीने लायक या फिर गोलियों के रूप में होती है। बैंडेज या पट्टी। जालीदार कपड़े की पट्टी से बैंडेज बनता है। इसका उपयोग जख्म को बांधने के लिए किया जाता है। वजन का कांटा। रोगियों के वजन को जानने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे वजन का कांटा कहते हैं। इस पर खड़े होकर व्यक्ति के वजन की जानकारी मिलती है। परिचारिका। अस्पताल में मरीजों की देखभाल के लिए जिन स्त्रियों को खास प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें नर्स या परिचारिका कहते हैं। वे रोगियों की जांच और इलाज के दौरान डॉक्टर को मदद करती है। रोगी। रोगी व्यक्ति को पेशेंट कहते हैं। रोगी अस्पताल में डॉक्टर से इलाज करवाने आते हैं। आँखों का तख्ता। आँखों की जांच करने के लिए इस तख्ते का उपयोग होता है। इस तख्ते पर अक्षर और अंक होते हैं जिसे पढ़कर रोगी या कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों की जांच कर सकता है। अड़ा, अंगे येन्ने दे? येदा पोगा वरमादरी इरुके? अड़े, ती पिड़िच्चिरुच्चु। येन्ने पन्रींगे, ती अणैप्पु निलयत्तिरुके सोल्लुंगे? ती अणैप्पु निलयम। अग्निशामक स्थान पर अग्निशामक सैनिक तथा आग बुझाने के साधन होते हैं।
अग्निशामक इंजन। अग्निशामक इंजन एक बड़ा वाहन होता है जिसमें आग बुझाने के सारे साधन होते हैं। इस इंजन को पानी की एक बड़ी टंकी भी होती है। फायरमैन हेलमेट। आग प्रतिरोधक धातु की टोपी को फायरमैन हेलमेट कहते हैं। इसका उपयोग आग बुझाने वाले सैनिक सुरक्षा के लिए करते हैं। अग्निज्वाला। जैसे जैसे आग की तीव्रता बढ़ती है, अग्निज्वाला और भी तेज हो जाती है। रुग्णवाहिका। रुग्णवाहिका एक वाहन होता है जिस पर नीले रंग का दिया होता है। इस वाहन को विशिष्ट प्रकार का हॉर्न लगाया जाता है। रोगियों को घर से अस्पताल जाने के लिए रुग्णवाहिका का उपयोग होता है। प्रथम उपचार की पेटी। प्रथम उपचार की पेटी में जरूरी औषधि तथा अन्य इलाज का सामान रखा जाता है। इसका उपयोग जख्मी या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने से पहले सुरक्षा के लिए होता है। फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग अग्निशामक सैनिक आग को रोकने के लिए करते हैं। मेगाफोन। इससे हम अपनी आवाज जोरों से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आग के समय सुरक्षा के लिए इसी मेगाफोन से लोगों को सूचना दी जाती है। ऑक्सीजन की टंकी। इस टंकी में ऑक्सीजन गैस भरा होता है। जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है उन्हें श्वसन के लिए ऑक्सीजन इसी टंकी से दिया जाता है। शिविका। ये एक हाथ से उठाई जाने वाली पालकी होती है। इस पर रोगी को लिटाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। हाइड्रेंट। हाइड्रेंट एक ऊंचा पाइप होता है जिस पर एक वॉल्व लगा होता है। इससे द्रव पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। நீங்க புத்தகம் படிப்பீங்களா? இல்ல, நான் பாட புத்தகத்தை பத்தி கேக்கல. இல்ல, நீங்க கட்டாயம் புத்தகம் படிக்கணும். அதனால உங்களுக்கு நிறைய அறிவு கிடைக்கும். வாங்க, உங்களை நூலகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன். நூலகத்தில் लोगों के लिए वाचनालय में बहुत सारी किताबों का संग्रह होता है। वाचनालय की व्यवस्था सार्वजनिक या शैक्षणिक संस्था या फिर कोई निजी संस्था करती है। पुस्तकों की थप्पी। एक के ऊपर एक रखे हुए पुस्तकों के संग्रह को पुस्तकों की थप्पी कहा जाता है। सिक्का। पुस्तकों पर अपनी मुहर जमाने के लिए सिक्के का इस्तेमाल होता है। नोटबुक। ऐसी नोटबुक आप हमेशा वाचनालय में देखते हैं। इसका उपयोग वाचनालय की व्यक्ति वहां के व्यवहार लिखने के लिए करती है। शब्द संग्रह। हर वाचनालय में अलग अलग भाषाओं के शब्द संग्रह होते हैं। शब्द संग्रह में किसी एक भाषा के शब्दों के अर्थ दूसरी भाषा में समझाए जाते हैं। इन शब्दों को अक्षरों के क्रम के अनुसार लगाया जाता है।
रजिस्टर वाचनालय के पुस्तकों का हिसाब रखने के लिए या फिर वाचनालय से बाहर ले जाने वाली पुस्तकों को दर्ज करने के लिए रजिस्टर का उपयोग होता है। वाचनालय कार्ड, ये कार्ड वाचनालय के हर ग्राहक को दिया जाता है। इस पर पुस्तक ले जाने की तारीख और पुस्तक का नाम लिखा होता है। वाचनालय में हमेशा शांति रखनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले अन्य लोगों को तकलीफ ना हो। इसके लिए वाचनालय में हमेशा शांति की सूचना हम देख सकते हैं। LCD मॉनिटर। LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका उपयोग TV या कंप्यूटर्स में होता है। माउस। कंप्यूटर के लिए माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की जानकारी भरने के लिए कीबोर्ड का उपयोग होता है। ये जानकारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में रखी जाती है। நூலகத்துல நிறைய புத்தகங்களை படிச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா எப்பவும் புத்தகம் படிச்சிட்டு இருக்காதீங்க. நீங்க கொஞ்சம் இசையும் அப்பப்ப கேட்கணும். வாங்க இசை நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். இசை நிகழ்ச்சி. एक या अधिक गायक और वादक जिस समारोह में संगीत या गाना पेश करते हैं उसे संगीत जलसा कहते हैं। वॉयलिन। वॉयलिन एक 6 तारों वाला संगीत का वाद्य है। एक बो से इसे बजाया जाता है। ड्रम्स। गाना या संगीत के दरमियान ताल भरने के लिए ड्रम का उपयोग होता है। बांसुरी। बांसुरी एक वायु पर आधारित संगीत साधन है जो बांस से बनाया जाता है। इसमें हवा फूंककर ध्वनि का निर्माण किया जाता है। गिटार। गिटार एक तारों वाला संगीत का वाद्य है। जब इसके तारों को छेड़ते हैं तब ध्वनि की निर्मिति होती है। कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक संगीत का वाद्य है जिसमें तार नहीं होते। इसमें काले और सफेद रंग के बटन होते हैं जिन्हें दबाकर
अलग अलग तरह के संगीत या ध्वनि का निर्माण किया जाता है। सैक्सोफोन। सैक्सोफोन एक वायु आधारित संगीत का वाद्य है जिससे मधुर ध्वनि का निर्माण होता है। सैक्सोफोन में मुंह से हवा फूंक कर ध्वनि का निर्माण किया जाता है। तबला। तबला एक नाद उत्पन्न करने वाला संगीत का वाद्य है जिसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। भारतीय संगीत में तबले का महत्व असाधारण है। संगीत चिन्ह। संगीत को कागज पर लिखने के लिए इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। संगीत लेखन स्टैंड। संगीत चिन्हों में लिखा जाता है और उस कागज को पढ़कर ही अनेक वादक संगीत का निर्माण करते हैं। इस कागज को रखने के लिए इस स्टैंड का उपयोग किया जाता है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। इसका उपयोग आवाज पकड़ने के लिए किया जाता है। स्पीकर। स्पीकर के जरिए हम किसी भी आवाज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। माइक्रोफोन से पकड़ी हुई आवाज अंततः स्पीकर से बाहर निकलती है। इसे निकलचे उंगले ரொம்ப பிடிச்சதா? இயற்கையில இருக்கிற இசை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இசை எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. இலைகள், பூக்கள், இதழ்கள் எல்லாத்துலயும் இசை இருக்கு. நாம பூங்காவுக்கு போய் பார்க்கலாமா? பூங்காவில் बगीचे में बच्चे, बूढ़े सभी आयु के लोग आते हैं। लोग वहां चलने के लिए, खेलने के लिए या फिर आराम से बैठने के लिए जाते हैं। टिड्डा। बगीचे में हम टिड्डा देख सकते हैं। ये एक थोड़े से बड़े आकार का हरे रंग का कीड़ा होता है। ये लंबी लंबी छलांग मारकर चलता है। मधुमक्खी। बगीचे में फूलों फूलों पर घूमने वाली हम मधुमक्खियां देख सकते हैं। फूलों का शहद जमा करने के लिए वो बगीचे में फूलों पर घूमती रहती हैं। शंबुक। शंबुक एक छोटा सा कीड़ा है जिसकी पीठ पर कवच होता है। शंबुक बहुत ही धीमी गति से चलता है। बारिश के मौसम में बगीचे में शंबुक देखी जा सकती है। वाटर लिली। साधारणतः तालाब में वाटर लिली के पौधे देखे जा सकते हैं। ये पौधे पानी के अंदर ही उगते हैं। चींटियां। चींटी एक बहुत ही छोटे आकार का एक कीड़ा होता है जो किसी भी जगह पर देखा जा सकता है। चींटियां हमेशा झुंड में रहती हैं। फव्वारा। फव्वारे में लगी हुई नलियों से पानी के ऊंचे फव्वारे निकलते हैं। बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फूल। फूल पेड़ पौधों का एक हिस्सा है। फूल अनेक आकार तथा रंगों के होते हैं।
बगीचे में हम तरह तरह के फूल देख सकते हैं। मेंढक। मेंढक एक उभयचर प्राणी है जो पानी और जमीन पर रह सकता है। मेंढकों की पैदाइश बारिश के दिनों में ही होती है। बारिश के दिनों में बगीचे में हमेशा मेंढक देखे जा सकते हैं। बगीचे की बैठक। बगीचे में लोगों को बैठने के लिए बैठक रखी जाती है जिसे बेंच कहते हैं। होस। होस एक रबर की नली होती है जिससे पानी बहता है। बगीचे में एक जगह से दूसरी जगह पर पानी ले जाने के लिए होस का उपयोग होता है। ट्रॉवेल। ट्रॉवेल एक लोहे की पट्टी होती है जिसको एक मुट्ठी लगाई जाती है। पौधों के बाजू की जमीन खोदकर छोटे छोटे छेद बनाने के लिए ट्रॉवेल का उपयोग किया जाता है।